मस्जिद से लगी जमीन पर कब्जा करने गए एक परिवार पर दूसरे परिवार के लोगों ने गोली चला दी, जिससे कब्जा करने गए परिवार के एक युवक की मौत हो गई, वहीं तीन लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। पीड़ित पक्ष ने मांग की थी कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए, जिसके बाद प्रशासन ने आरोपियों के घर बुलडोजर से जमींदोज कर दिए। दरअसल बिजावर में दो पक्षों के बीच लंबे समय से इमामबाड़े की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों पक्ष ने कोर्ट में केस भी किया था, एक पक्ष जमीन का केस जीत भी गया था। केस जीतने के बाद वो उस जमीन पर कुछ निर्माण कार्य करा रहा था, तभी हथियार लेकर कुछ लोग आए और गोली चलानी शुरू कर दी। गोली चलाने वालों में इम्तियाज मंगू फरीद वेग हैं। दूसरे पक्ष के अमजद खान उर्फ कल्लू के सिर में गोली लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने नगर चौराहे पर शव रख कर सड़क जाम कर दिया और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस के समझाइश के बाद जाम हटाया गया, वहीं पुलिस ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला दिया। एक ही घटना बिजावर में हुई थी, उसे लेके आज पुनः ग्राम रासी सड़क पे आ गए थे, पर ये कुछ ही देर रहे। बाद में एसडीओपी और अन्य लोगों के समझाने पे ये लोग चले गए थे। इनका मुख्य मांग ये थी कि जो अपराधी हैं इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो और इनका जो मकान वगैरह है उसको ध्वस्त किया जाए। इसमें कुल 5 आरोपी थे और लगभग सभी इसमें पुलिस की हिरासत में आ गए हैं और हमारा प्रयास है कि शाम तक सभी की अरेस्टिंग। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।